नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो टिकुलन चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ और मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक नया रीडिंग और वो है फुल मून के ऊपर। तो फुल मून की वजह से आपके लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, आपकी एनर्जी लेवल पर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, वो हम इस रीडिंग के जरिए जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स के थ्रू मुझे जो भी मैसेजेस मिलते हैं वो मैं अपनी रीडिंग के जरिए आप लोगों तक डिलीवर करती हूँ। मैं ट्रेडिशनल मेथड से रीडिंग नहीं करती हूँ, अपने इंट्यूशंस के थ्रू ही मैं रीडिंग करती हूँ, ठीक है। तो देखिएगा आपके साथ कौन सा रेजोनेट करता है और कौन सा नहीं। जो करता है उसे एक्सेप्ट कीजिएगा और जो नहीं करता है उसको आप जाने दीजिएगा, ठीक है। तो कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ आज मैं, किसी भी किस्म का पाया इसमें नहीं रखूंगी। काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने कलेक्टिव रीडिंग नहीं किया है, तो आज मेरा मन हो रहा है, लेट्स सी, देखते हैं। और मैंने पर्सनल रीडिंग स्टार्ट कर दिया है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, उसके लिए एक मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा और पेमेंट के लिए मैं गूगल पे प्रीफर करती हूँ, ठीक है। तो गूगल पे के थ्रू ही आप लोग मुझे पेमेंट कर सकते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं इस फुल मून डे से डे के बाद, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, अभी जब मैं आपको रीडिंग कर रही हूँ ना, रीडिंग करूँगी, ब्लेसिंग्स के बारे में बताऊँगी, राइट। साथ ही साथ क्या क्या चेंजेस आएंगे आपकी एनर्जी लेवल पर वो भी मैं बताऊँगी। तो जो ब्लेसिंग्स मैं बताऊँगी, जो ब्लेसिंग्स आएंगे आपके लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आपने आज रीडिंग देख लिया और कल ही वो आ गया ब्लेसिंग्स, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एटलीस्ट वन मंथ, किसी किसी को तो वन मंथ लग जाता है, अदरवाइज 15 डेज या फिर 2 वीक्स ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि सभी का टाइमिंग सेम नहीं होता है और हमें ये पहले से ही चैनलिंग हो जाती है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में आगे जाकर, ठीक है। तो उसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है कि इतने दिन बाद आपको ये मिलेगा, उतने दिन बाद आपको ये मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो पॉजिटिव रहेगा, होपफुल रहेगा। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे सभी व्यूवर्स के लिए फुल मून की वजह से क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, फुल मून ब्लेसिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे आप में से किसी का ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग का लाइफ मानो रुका हुआ सा है। आई डोंट नो कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, एक तो कलेक्टिव रीडिंग है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों की लाइफ रुका हुआ है, आप लोग मूव नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं जा पा रहे हो, चाहे लव लाइफ को लेकर हो या करियर को लेकर हो, मूवमेंट नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा फील आ रहा है यहाँ पर। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ टेल मी। कुछ मेल व्यूअर्स का ये एनर्जी मुझे आ रहा है जैसे कि उनकी लाइफ रुका हुआ सा है, स्टक्स एनर्जी मुझे महसूस हो रहा है। फुल मून की वजह से मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, क्या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, साथ ही साथ उनकी एनर्जी लेवल में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हीलिंग प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को इस फुल मून की, जो ब्लेसिंग्स है उनमें से एक ब्लेसिंग मुझे दिख रहा है, हीलिंग मिलेगा आप लोगों को, कुछ ऐसा होगा कि आप लोग हील होंगे। थैंक यू। टावर, नाइन ऑफ सॉट्स, थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ टेल मी इस फुल मून की वजह से मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। थैंक यू। इस फुल मून की वजह से मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे सुनाई दे रहा है आर्केंजल राफेल आपके लिए काम करेंगे, आर्केंजल राफेल उनकी ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ठीक है। हीलिंग, जब भी आप कोई हीलिंग सेशन लेते हैं तो आर्केंजल राफेल को ज़रूर प्रे कीजिएगा। आप जब भी हीलिंग के बारे में सोचते हैं या मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो आर्केंजल राफेल को पुकारिएगा, ठीक है। सेवन ऑफ सॉट्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, इस फुल मून की वजह से मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फुल मून ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। ये रीडिंग बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है, ये मैं पहले ही बता दूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों की एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है जिनका लाइफ में बहुत कुछ पेनफुल चल रहा है, या तो कुछ टाइम पहले हुआ है जिसका अभी भी असर उनके लाइफ में चल रहा है, ओके। जो पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो ये रीडिंग हर एक के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। मुझे एक वो वाइब्स आ रहा है जैसे कि
किसी ने मानो आपको चीट किया हो, कुछ छुपाया हो, समथिंग यू नो, आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि किसी ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है. एट ऑफ वॉन्स. थैंक यू सो मच एंजेल स्पिरिट गाइस. प्लीज़ मुझे बताएं इस फुल मून की वजह से मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं. थैंक यू. क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मुझे सुनाई दे रहा है आपको रास्ता मिलेगा, रास्ता सिचुएशन से बाहर निकलने का, एक न्यू डायरेक्शन. थैंक यू सो मच. हाँ, नाइन ऑफ वॉन्स. मुझे तो टेन ऑफ वॉन्स की भी एनर्जी मिल रहा है आप लोगों से. थैंक यू सो मच. किंग ऑफ कप्स. मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं इस फुल मून की वजह से. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अनएक्सपेक्टेड वे में होगा कुछ अच्छा वाला सिचुएशन. थैंक यू. फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स. दो दो पेजेस आए हैं आपके लिए. एंड बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ओके. एंड यहाँ से भी देखेंगे. ओके, दूसरा डेक से मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं इस फुल मून की वजह से. प्लीज़ मुझे बताइए इन दिस स्पिरिट गाइस. थैंक यू सो मच. व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं. थैंक यू. यहाँ पर आया है आपके लिए मैथ फेयरनेस. ओके. थैंक यू. क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में फुल मून की वजह से. ओके, नीडल एंड थ्रेड. ओके, थैंक यू. थैंक यू सो मच. देन यहाँ पर आया है स्ट्रेंथ एंड वन मोर कार्ड. यहाँ पर आया है फायर एंड वाटर ड्रैगन. एंड बॉटम ऑफ द डेक में है आपके लिए ग्राउंड योर सेल्फ. ओके, नंबर 21 है यहाँ पर. यहाँ पर है 19, 23, 46 एंड 4. ओके, ये कुछ नंबर्स हैं. चलिए मैं कार्ड्स को सेटअप कर लेती हूँ. तो अगर मैं बताऊं यहाँ पर साइंस कौन से अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर हर एक साइंस ही अवेलेबल है. और वैसे भी कलेक्टिव रीडिंग पर साइंस बोलना वो ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पर हर एक साइंस ही अवेलेबल है. ओके, फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन एंड ऑल्सो अर्थ साइन, सभी ज़ोडियक साइन यहाँ पर अवेलेबल है. तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मैं शफल करते वक्त ही बोल रही थी कि आपको हीलिंग प्रोवाइड किया जाएगा. और हीलिंग क्यों प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी सफ़र कर रहे हो काफ़ी टाइम से. टाव मोमेंट आया है किसी किसी का. मुझे लगता है 10-10 पोर्टल के बाद टाव मोमेंट आया है. तो किसी किसी का 2-3 मंथ्स पहले टाव मोमेंट आया है. ओके, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ इंसिडेंट जो अनएक्सपेक्टेड था, जिसके बारे में आप प्रिपेयर नहीं थे, जिसको लेकर ठीक है हर्टफुल पेनफुल सिचुएशन क्रिएट हुआ आपके लाइफ में. तो उसका असर अभी भी है आपके लाइफ में, है ना. जो टाव मोमेंट होता है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आता है. वो एक हफ्ते में ख़त्म होने या 2-3 दिन में उसका असर ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं होता है. तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ. आप में से कई सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको एंजाइटी होता है. आप लोग ठीक से रात को सो नहीं पाते हो, अगर सोते भी हो तो बीच में जाग जाते हो. ओके, कुछ तो ऐसा हुआ था आपके लाइक मुझे एक वाइब्स आना जैसे कि किसी ना कोई इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है. ओके, कुछ छुपा रहा है वो आपसे, या फिर आपको ये फील हो रहा है कि उस इंसान ने आपको चीट किया है. ओके, तो दो तरीके की एनर्जीज मुझे आ रहे हैं. आप लोगों की थॉट मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हो. ठीक है, आपकी थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है थॉट प्रोसेस में. तो वो बात है कि आपको ये भी लगता है कि कहीं उस इंसान ने मुझे चीट तो नहीं किया. हो सकता है किसी ने ऑलरेडी आपको चीट किया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि कलेक्टिव है रीडिंग. बट क्या हुआ ना, ये जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ पेनफुल सिचुएशन, जिस वजह से आपको इतना तकलीफ़ हो रही है, इतनी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, वो हील होने वाली है. ठीक है, आपको एक न्यू डायरेक्शन मिलेगा. किस वे में आपको जाना है, क्या डिसीजन लेना है, वो आपको पता चलेगा. या तो कोई इंसान आपको गाइड करेंगे या फिर आपका इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगा. ये मुझे मिल रहा है यहाँ से. ठीक है, ऑफर्स, अगर आप किसी लव प्रपोजल को लेकर वेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर इंसान से या फिर किसी भी अननोन से, या फिर आप काम से रिलेटेड किसी ऑफर के बारे में सोच रहे हैं, लाइक जॉब अपॉर्चुनिटी हो या फिर बिजनेस हो, किसी के साथ आप बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह करना चाहते हो, तो वो भी होगा पॉसिबिलिटी. यहाँ पर दिख रहा है ब्लेसिंग्स फुल मून के बाद से वो चीज़ स्टार्ट होगा. आपको लव प्रपोजल्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ अगर आप करियर की अपॉर्चुनिटी के बारे में ढूंढ रहे हो, वेट कर रहे हो, तो वो भी मिलेगा आपको.
लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा लाइक रातों रात माला माल हो जाने वाला, वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो भी है अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी को प्रपोज करो, प्रपोजल दो, ऑफर करो, तो आप कर सकते हो, ओके, क्योंकि सामने वाला इंसान एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक ब्लेसिंग ही है आपके लिए, क्योंकि आप जिनको पसंद करते हो उस इंसान को अगर आप प्रपोज देते हो, प्रपोजल देते हो, तो वो इंसान भी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स है, ठीक है। और रही बात अगर आपको कोई प्रपोज करेगा उससे रिलेटेड मैं अगर मैं बोलूँ, तो दो मुझे यंग एनर्जी मिल रहा है और एक थोड़ा मैच्योर्ड एनर्जी है, ठीक है। वो मैच्योर्ड एनर्जी भले ही मैच्योर्ड है लेकिन है काफ़ी रोमांटिक, ओके। तो दोनों ही काफ़ी रोमांटिक मिजाज के लोग हैं, जिनमें से तीसरा वाला इंसान मुझे उतना ज़्यादा रोमांटिक तो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़े स्लो ज़रूर है, ठीक है, थोड़े स्लो है। और अगर आप किसी की प्रपोजल नहीं, मैसेजेस की वेट कर रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है आपके लिए। आपको वो इंसान मैसेज कर सकते हैं जिसके साथ अभी आप मे बी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। कई सारे लोगों का मुझे ये वाइब्स आ रहा है कि आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो वो इंसान आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों का मुझे एक और एनर्जी यहाँ पर फील हो रहा है, टायर्ड। मे बी आप लोगों में से कुछ लोग काफ़ी टायर्ड फील कर रहे हो लास्ट कुछ टाइम से। नींद बहुत आता है आप लोगों को, रात को नींद नहीं आता है लेकिन दूसरे टाइम पर आप लोगों को नींद आता है, और रात को नींद नहीं आने की वजह से ही आप लोगों का ये बाकी के टाइम पर नींद आता है। तो वो चीज़ आप लोगों का ख़त्म होने वाला है, वो टायर्डनेस वाला जो एनर्जी है ना आप लोगों का, वो ख़त्म होने वाला है। सिचुएशन को लेकर इतना ज़्यादा सोचेगा मत, ठीक है, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है फुल मून ब्लेसिंग्स के रिलेटेड, आपकी जो क्रिएटिव साइड है वो निखरने वाला है। आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, काम मीन्स मैं ये नहीं कह रही कि आप इतना काम करोगे कि आप थक जाओगे, नो ऐसा नहीं है, लेकिन आप काम करोगे, ठीक है। चाहे या आपकी कनेक्शन को लेकर हो या फिर आपकी लाइक मटेरियल वर्ल्ड को लेकर हो, लाइक पैसा कमाना, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो लाइक मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग खुद के लिए बहुत बिजी होने वाले हो, ठीक है। इस फुल मून के बाद से आप लोग खुद के लिए बहुत बिजी रहने वाले हो, चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, चाहे आप कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ अगर घर पे भी रहते हो तो भी आप खुद के लिए काम करने वाले हो, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लाइक खुद को नर्चर करना, ओके, खुद से प्यार करना, सेल्फ लव करना, कुछ ऐसा करना जिससे आपकी खुद की क्रिएटिव साइड बाहर निकले, चाहिए कुछ भी हो सकता है क्रिएटिविटी, ओके, आपकी क्रिएटिव साइड जो करना आपको अच्छा लगता है, जिससे आपकी एक यूनिक क्वालिटी बाहर निकल के आता है, ठीक है, उसमें आप ज़्यादा फोकस करने वाले हो। इस फुल मून के बाद से आपकी एनर्जी लेवल में ये काफ़ी हद तक शिफ्टिंग आने वाली है, ठीक है। कई सारे लोगों का कम्युनिकेशन जिनका ब्लॉक था, वो कम्युनिकेशन क्लियर होने वाला है, ओके, बातचीत होने वाली है, चाहे वो आपकी किसी स्पेशल वन के साथ हो या फिर किसी दोस्त के साथ ही क्यों ना हो जिनके साथ आपका कम्युनिकेशन बंद है, तो कम्युनिकेशन होने की चांसेस मुझे यहाँ पर बहुत दिख रहा है। थोड़ा टफ टाइम है आप लोगों के लिए इस वक्त, लेकिन आप लोग निकल जाओगे, ठीक है, आप लोग उस टफ एनर्जी से निकल जाओगे। और यहाँ पर आपके लिए जो ऑरेकल मैसेजेस आए हैं, मैट फेयरनेस, ओके, तो ये जो सिचुएशन है इसको एक सही मैनर पर हैंडल कर दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से। आपके अंदर वो एनर्जी ऑटोमेटिकली आएगा जिससे आप इस सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे, जो अभी तक आपके लिए काफ़ी मुश्किल था हैंडल करना इस सिचुएशन को, वो आपको इजी लगने लगेगा। आप खुद ही मतलब उस चीज़ से निकलने लगोगे, लाइक जैसे कि मैंने बोला आपको हीलिंग प्रोवाइड किया जाएगा, तो हीलिंग प्रोवाइड करने से जैसे जैसे इंसान हील होता है उसका माइंडसेट पॉजिटिव होने लगता है। हीलिंग प्रोवाइड करने से इंसान का हार्ट चक्रा भी ओपन होने लगता है, और हार्ट चक्रा ओपन होने से बाकी के जो लोअर एंड अपर चक्रा से उसमें भी बैलेंस आना शुरू हो जाता है, और इंसान की जो मेंटल लेवल है, मेंटल स्टेटस है, वो सही बैठता है, ओके, ठीक होने लगता है, पॉजिटिव सोचने लगता है बंदा या बंदी जो भी है। तो वो चीज़ होगा आपके साथ, ठीक है, एक सही मैनर पर आपकी इस सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा डिवाइन की तरफ से। और यहाँ पर आपके लिए आया है फायर एंड वाटर ड्रैगन। आपके जो
तो यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि जो भी सिचुएशन हुआ है आपके साथ, कि बहुत जल्दी चेंज होने वाला है, ठीक है। और तो आपको थोड़ा इसमें लेने के लिए बोला गया कि आप प्रिपेयर रहिए, ठीक है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ होगा, ये चेंज बहुत क्विकली हो जाएगा। अब तक आपके अंदर वो सैडनेस भरा पड़ा है, आप सोचते रहते हो, टेंशन लेते हो, चाहे वो मनी वाइज हो या फिर लाइक आपकी लव लाइफ को लेकर हो, ओके, आप लोग जो टेंशन लेते रहते हो, कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज का भी आ रहा है वाइब्स, आप में से कुछ लोग मैरिज को लेकर भी टेंशन लेते रहते हो। तो ये जो भी सिचुएशन में आप लोग इस वक्त फंसे हुए ना हुए हो सॉरी, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में चेंज होने वाला है, ओके। तो आपको खुश रहने के लिए बोला गया है, क्योंकि ये जो नेगेटिव सिचुएशन आपके लाइफ में अभी चल रहा है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहने के लिए बोला गया है, ठीक है। गो विद द फ्लो वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर आपके लिए आया है स्ट्रेंथ नंबर 4, ग्राउंडेड रहना है आप लोगों को, यहाँ पर भी आया है नंबर 4। तो आपको ग्राउंडेड रहने की बहुत ज़रूरत है, ग्राउंडेड मेडिटेशन जो होते हैं ग्राउंडेड एनर्जी वाला, वो आप कर सकते हो अपने रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए। क्योंकि अगर आप ग्राउंडेड नहीं रहोगे तो जाहिर सी बात है, जब आपका लो रूट चक्रा अनबैलेंस रहेगा तो इस तरह की सिचुएशन तो क्रिएट होगा ही, लाइक आप टाउ मोमेंट को हैंडल नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा टेंशन एनजाइटी ये सब चीज़ें होता है, एक किस्म का डर, एक किस्म का खौफ रहता है कि फ्यूचर में क्या होगा, आगे क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इस किस्म का। तो ग्राउंडेड रहने की बहुत ज़रूरत है आपके लिए। यहाँ पर आपके लिए स्ट्रेंथ आया है लियो वाइब्स, ओके। यहाँ पर आपको ये बोला गया है जो स्ट्रेंथ आपको मिलेगा डिवाइन की तरफ से, वो किसी भी वे में आपको मिल सकता है, किसी भी फॉर्म में। जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताया था स्टार्टिंग में, वो मैसेज मुझे चैनल हुआ था, दैट्स वाई मुझे परफेक्टली याद नहीं आ रहा है। मैंने बोला था कि आपको किसी भी वे में वो चीज़ प्रोवाइड किया जा सकता है, तो वही चीज़ है, जो स्ट्रेंथ आपको मिलेगा, जो हिम्मत, जो ताकत, जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगी, वो किसी भी वे में आ सकता है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ इस सिचुएशन से ही मुझे स्ट्रेंथ मिलेगा, ऐसा कुछ होने से ही मुझे हिम्मत मिलेगा या हिम्मत मिलेगी, ऐसा नहीं है। वो किसी भी वे में आपको मिल सकता है, डिवाइन स्पिरिट्स आपको किसी भी वे में वो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यही बोला गया है कि स्पिरिट हैज़ इट्स ओन यूनिक एंड ब्यूटिफुल वे ऑफ रिप्लेसिंग योर सोल विथ स्ट्रेंथ ऑन ए कंटिन्यूअल बेसिस, ओके। तो आप कभी भी अकेले, खुद को अकेला मत समझिएगा, ये भी यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। आप अकेले नहीं हो, स्पिरिट्स आपके साथ है और स्पिरिट्स अपने यूनिक वे में आपको वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, आपको वो हिम्मत प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आया है आपके लिए नीडल एंड थ्रेड, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है, और नंबर 46 है यहाँ पर, नंबर 46 यानी नंबर 10 एक कंप्लीशन के बारे में बताता है, एक साइकिल का एंडिंग होना और एक न्यू साइकिल का स्टार्ट होना, ओके। डेथ एंड रिबर्थ वाला वाइब्स मुझे आ रहा है यहाँ से, हालांकि यहाँ पर वो कार्ड नहीं है लेकिन मुझे वो वाइब्स यहाँ पर आ रहा है। तो आपकी एक विश फुलफिल होने वाला है, एक ऐसा विश जिसके लिए आपने बहुत टाइम से प्रे किया था ऊपर वाले से ईमानदारी के साथ कि मेरा ये विश पूरा कर दो। हो सकता है आपका लव लाइफ से रिलेटेड विश हो या फिर करियर से रिलेटेड, बट आपकी वो विश, वो स्पेशल विश पूरा होने वाला है, ठीक है। तो होपफुल रहिएगा। यहाँ से भी लेती हूँ मैं गाइडेंस, तो मेन चीज़ तो आपका यही है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये लव से रिलेटेड चीज़ें लग रहा है, जो आपका विश फुलफिल होने वाला है, जिसको आप काफ़ी टाइम से यू नो प्रे कर रहे हो, प्रे में बोलते हो ऊपर वाले से, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर माई व्यूवर्स, क्या गाइडेंस है, थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्लेसिंग्स गाइडेंस। या यहाँ पर आपको सेल्फ केयर करने के लिए बोला गया है, और मैंने बोला ही था आपको इससे पहले कि आप कुछ ऐसा करोगे जिससे आपको अच्छा लगे, आपकी यूनिक पर्सनैलिटी बाहर निकले। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आया है, मैंने बोला था आप खुद को नर्चर करोगे, ये भी एक ब्लेसिंग ही है, तो यहाँ पर वही आया है। यहाँ पर बोला गया आपको मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर, टेकिंग केयर योर सेल्फ इज एसेंशियल राइट नाउ। सेल्फ केयर करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप काफ़ी लो वाइब्रेशन में है,
तो अपनी वाइब्रेशन को हाई वाइब्रेशन में लाने के लिए आपको सेल्फ केयर करने की बहुत ज़रूरत है। और अभी से ही मैं ये बता रही हूँ क्योंकि देखिए फुल मून एक ऐसा दिन होता है जहाँ पर हाई वाइब्रेशन वाले लोगों की एनर्जी और भी हाई होता है और लो वाइब्रेशन वाले लोगों की एनर्जी और भी लो हो जाता है जिस दिन फुल मून होता है, यानी 20 अक्टूबर। अभी से अगर आप लोग प्रिपेयर हो जाओगे ना तो क्या होगा, 20 अक्टूबर के दिन आपको उतना फील नहीं होगा, वरना आपको 20 अक्टूबर के दिन बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल, रोना धोना ये सब होगा अगर आप लो स्टीम में रहेंगे तो। ठीक है, थैंक यू सो मच इनसेंस स्पिरिट गाइड्स। Own your divine power. Okay, तो यहाँ पर codependent issue आ रहा है आप लोगों का, people pleasing with assertiveness and empowerment. तो अगर आप ऐसे लोगों में से हो जो हमेशा खुद को बाद में और दूसरों के बारे में पहले सोचते हो, दूसरों को पहले प्रायोरिटी देते हो, तो वो करना बंद कर दीजिएगा। ठीक है, वो हो भी जाएगा ऑटोमेटिकली, डोंट वरी। जो क्विक चेंज आएगा आपके लाइफ में तो आप खुद ही समझ जाओगे कि खुद को हमेशा फर्स्ट रखना ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी कनेक्शन में हो, लव कनेक्शन में हो या फिर आपके पेरेंट्स के साथ ही अगर कोई अनबन चल रहा है तो भी, आप खुद ही समझ जाओगे कि खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, उसके बाद दूसरे को। ठीक है, और दूसरे का दिल रखने के लिए खुद के मन को मत मारिएगा। ठीक है, कि सामने वाले का दिल रख ले वरना वो हर्ट हो जाएगा, इसलिए खुद को हर्ट करने ये बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। ठीक है, आप ये चीज़ खुद ही जान जाओगे, ये फुल मून के बाद से जो क्विक चेंज आएगा आपकी लाइफ में आप खुद ही ये चीज़ समझ जाओगे। अभी हम चाहे कितना भी बोल ले अपने रीडिंग के ज़रिए, लेकिन आप खुद ही ये चीज़ एक्सपीरियंस करोगे। थैंक यू सो मच, क्या ब्लेसिंग आने वाला है मेरे व्यूवर्स के लिए इस फुल मून के बाद से, प्लीज़ मुझे बताइए। इंसेंस स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जितने भी ऐसे व्यूवर्स हैं जिनका मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उनकी फेमिनाइन एनर्जी अभी एक्टिव होने वाला है, फेमिनाइन साइड्स के साथ वो जुड़ने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए आया है, आर यू एबल टू इमेजिन योर लाइफ आस्किंग हेल्प फ्रॉम डिवाइन। ओके, इट इज़ टाइम टू एक्नॉलेज दैट यू हैव द एबिलिटी टू हियर सेंस और नो इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। ओके, तो आपके लिए ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज आया है, ये जो ब्लेसिंग आएगा फुल मून का, फुल मून के बाद से, ये सबसे खूबसूरत ब्लेसिंग है अब तक का। चाहे एक तो ये चीज़ आया है थ्रेड एंड नीडल एंड थ्रेड, जो आपकी एक बहुत बड़ा विश पूरा होने वाला है, जिसके बारे में आप काफ़ी टाइम से विश मांग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा खूबसूरत आपके लिए ब्लेसिंग होगा ये वाला ब्लेसिंग, जिसमें ये बोला गया है कि आप किसी भी सिचुएशन को लेकर, किसी भी इंसान को लेकर आप सेंस कर पाओगे उस इंसान के बारे में कि वो इंसान आपके लिए सही है या गलत है, चाहे वो जॉब ही क्यों ना हो, वो आपके लिए सही रहेगा या गलत रहेगा। जो आपकी इंट्यूशन लेवल रुका हुआ है वो एक्टिव होगा। ठीक है, इंट्यूशन लेवल में आपका जो ब्लॉकेजेस है वो क्लियर होने वाला है, डिवाइन की तरफ से जो जो गाइडेंस मिलेंगे आपको, आप उसको समझ पाओगे, कैच कर पाओगे आप, क्योंकि कई सारे लोगों को कई सारे हिंट्स मिलते रहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो एक्चुअल में क्या है, उसका मीनिंग क्या है, नहीं समझ आता है। ओके, इस वजह से और भी ज़्यादा वो क्या होते हैं, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, आपको वो चीज़ समझ में आएगा, ये बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग है आपके लिए, आप सेंस कर पाओगे इन्फॉर्मेशन, जो भी यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलेंगे आपको, एंजल्स स्पिरिट्स की तरफ से, वो आप समझ पाओगे, अवेयर हो पाओगे, स्पिरिचुअली आप लोग अवेयर हो पाओगे, अवेयरनेस बढ़ेगा आप लोगों का। वाओ, ब्यूटीफुल, आर्कएंजल रैजियल की ब्लेसिंग है आपके साथ, आई एम ग्रेटफुल फॉर असिस्टेंस फ्रॉम द हेवनली रियलम। वाओ, वन मोर प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, क्या ब्लेसिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए इस फुल मून के बाद से, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस फुल मून के बाद से मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, मेंटेन योर फोकस, आइडेंटिफाई एंड रिलीज डिस्ट्रैक्शन,
keeping you from moving forward. Visualize your future. Know that you can easily work through any issues that may arise. Success is yours. Beautiful. तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो कि मैं blessings के बारे में बता रही हूँ, ये जो भी चीज़ें होगा इसके साथ इसका बहुत कनेक्शन है, इन दोनों का बहुत कनेक्शन है. ओके जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली अवेयर हो जाओगे, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है, मैंने बोला ही है कि आप समझ पाओगे यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट्स की तरफ से आपको क्या क्या गाइडेंस मिलेंगे उसको आप समझ पाओगे. राइट आप सेंस कर पाओगे इंसानों को लेकर कि वो इंसान आपके लिए सही है या गलत है, काम को लेकर कि वो इंसान सही, वो काम सही है या गलत है, इस सिचुएशन को लेकर आप लाइक अवेयर हो पाओगे, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगा. राइट और इससे क्या होगा, आपकी फोकस बढ़ेगी. फोकस किसी भी काम को करने को लेकर हो या फिर किसी इंसान को लेकर हो या किसी सिचुएशन को लेकर हो, आपकी फोकस बढ़ेगा. ठीक है जो भी डिस्ट्रक्शंस है आपकी लाइफ में इस वक्त वो खत्म होगा. आप समझ पाओगे कि ये चीज़ मेरे लिए हार्मफुल है, इस चीज़ को मुझे अपने लाइफ से निकालना है, ये चीज़ मेरी लाइफ से जाएगा तो डेफिनेटली मेरा आगे का पाथ मेरे लिए ईजी रहेगा, मुझे सक्सेस मिलेगा. और इसमें आपका एक और फ़ायदा होगा स्पिरिचुअली अवेयर होने के बाद से, विजुअलाइजेशन जो होता है, जो टेक्निक होता है विजुअलाइजेशन, ओके अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ये सब वर्ड्स तो आप लोग सुनते होंगे, तो विजुअलाइजेशन का जो पावर है वो आपका बढ़ेगा. अगर आपने अब तक विजुअलाइज नहीं किया तो करना स्टार्ट कर दीजिएगा फुल मून के बाद से, क्योंकि आपकी वो चीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं. विजुअलाइज कीजिएगा अपने फ्यूचर को लेकर के, बहुत खूबसूरत फ्यूचर होगा आपका, जो जो आप चाहते हैं वो सब चीज़ें आप विजुअलाइज कीजिए और वो रियलिटी में आएगा आपके लिए. लाइक 5D वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं वो 3D वर्ल्ड में आपके लिए आ जाएगा, जिससे आपकी सक्सेस में और भी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा. ओके आपको ये पता चलेगा कि आप जब इन सब चीज़ें हो जाएगा आपके साथ, तो आप ये फील करोगे कि आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रॉब्लम से आप इजीली बाहर निकल सकते हो, इजीली बाहर निकल सकते हो और लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हो. सो बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स आ रहे हैं इस फुल मून से. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, स्पेशली जो लास्ट के ब्लेसिंग्स है वो मुझे बहुत अच्छे लगे, एंड ऑल्सो ये वाला नीडल एंड थ्रेड वाला जो ब्लेसिंग है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा. सो रीडिंग कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा. ठीक है एंड वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. बाय.